हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, दाढ़ी मूछ के मामले में कुछ लड़के बहुत ज्यादा लक्की होते हैं, उनको नेचुरली गॉड गिफ्टेड होता है, उनकी दाढ़ी मूछ बहुत ज्यादा अच्छी आती है और बहुत घनी आती है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी निखर जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लड़के उतने लक्की नहीं होते हैं, उनको पूरी तरीके से दाढ़ी नहीं होती है, किसी को दाढ़ी बिल्कुल नहीं होती है, किसी को कहीं कहीं पर होती है और कहीं पर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उतना मैनली लुक उनके चेहरे पर नहीं आ पाता है और उन्हें क्लीन शेव रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आजकल ट्रेंड के साथ चलना बहुत जरूरी है और ट्रेंड में है कि आप बियर्ड यानी कि घनी दाढ़ी मूछ आपके चेहरे पर होनी चाहिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा निखरती है और लड़कियां भी ऐसे लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी होती है। और अगर आपका चेहरा पिचका हुआ है, कमजोर है, तो वो भी दाढ़ी में ढक जाता है और आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा गजब का नुस्खा बताने वाला हूँ, एक ऐसा अचूक और नेचुरल नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप एक घनी दाढ़ी मूछ पा सकेंगे और अपने आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा निखार सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन नुस्खे को। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नुस्खे में जो हमें इस्तेमाल करना है, बहुत ही नेचुरल चीज है, वो है दोस्तों एलोवेरा जेल की एक लीफ, यानी कि एक एलोवेरा जेल की आपको एक लीफ ले लेनी है अगर आपके घर में पौधा है। और अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है, अगर आपके घर में ऐसी एलोवेरा की लीफ नहीं है, तो आपको इस तरीके से कोई एलोवेरा जेल ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं। लेकिन जितना फ्रेश एलोवेरा जेल ये रहता है, ये उतना नहीं होता, ये थोड़ा पुराना होता है, तो इतना अच्छे से काम नहीं करता है, बट ये जरूर काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में से, ये पौधे से या पड़ोसियों के यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आपको ये कैसे यूज करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों कैस्टर ऑयल, यानी कि दोस्तों अरंडी का तेल। दोस्तों, ये बहुत गाढ़ा और बहुत ही फायदेमंद तेल होता है बालों के लिए। इसे आप अपने सिर के बालों पर भी यूज कर सकते हैं और दोस्तों, इसे आप अपने दाढ़ी के बालों पर भी यूज कर सकते हैं। ये आपके दाढ़ी को घना बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और दाढ़ी मूछ के नए बालों को लाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद जो तीसरी चीज हम इस नुस्खे में यूज करेंगे, वो है दोस्तों विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये दोस्तों इवियन 400 mg का इसमें कैप्सूल यूज करेंगे। ये दोस्तों आपको 2 से 3 रुपए में एक कैप्सूल आसानी से मिल जाएगा और 20 से 25 रुपए में 10 कैप्सूल आपको आराम से मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आपको ये कैसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इन तीनों चीजों का एक यूज बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक एलोवेरा लीफ ले लेनी है और उसको आपको कुछ इस तरीके से जो है यूज करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपको सबसे पहले तो इस कॉर्नर पे से इस लीफ को ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको इस लीफ में से जो एलोवेरा जेल किस तरीके से निकालना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कट कर लेना है और दूसरी तरफ से भी आपको इस तरीके से जो है कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में आप इसको इस काम को कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद में आपको दोस्तों ऊपर की एक जो परत है, मोटी परत, इसको इस तरीके से रिमूव कर लेना है, बहुत ही आसान है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूं, इस तरीके से आपको जो है पूरा जो जेल की लीफ के ऊपर जो स्किन है उसको रिमूव कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी स्किन रिमूव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्पून की हेल्प से इसमें से जो एलोवेरा जेल है, जो जेल है, उसको इस बाउल के अंदर जो है निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। इस तरीके से आपको इस स्पून की हेल्प से इस तरीके से जो है जेल आपको निकाल लेना है। कम से कम 1 चम्मच के करीब आपको एलोवेरा जेल इसमें निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये मैंने जो है कर लिया है। 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने एलोवेरा जेल जो है निकाल लिया है। ये बहुत ही नेचुरल होता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट बनाएगा और देखने में बहुत अट्रैक्टिव बना देगा। उसके बाद में दोस्तों, जो दूसरी चीज हमें इसमें लेनी है, वो है दोस्तों कैस्टर ऑयल। इसके अंदर हमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का यूज करना है। ये देखिए, इस तरीके से 1 चम्मच कैस्टर ऑयल हमने इसमें ले लिया है। अब जो आखिरी चीज हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों एक विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये देखिए, इसको पूरा एक विटामिन ई का कैप्सूल हम इसके अंदर डाल लेंगे। जितना भी इसका ऑयल निकलेगा, वो इसके अंदर पूरा इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको बहुत एक पेस्ट बना लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, लगभग दोस्तों मिक्स होकर तैयार हो चुका है, आपको और भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं अभी आपको बस एक छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अब आपको यूज कैसे करना है अपनी दाढ़ी पे, मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, जब ये तीनों चीज मिक्स होकर तैयार हो जाए, तो आपको अपने दोनों हाथों में, अपने हाथों से इस तरीके से आपको लेना है और जैसे कि आप इधर आपकी दाढ़ी है, तो आपको अपनी दाढ़ी पर इस तरीके से लगा लेना है।
सबसे पहले आपको अपनी पूरी दाढ़ी में इसको अच्छे से लगा लेना है, और उसके बाद में आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लगातार आपको गोलाई में इस तरीके से मसाज करनी है। इस तरीके से फ्रेंड्स मसाज करनी है, जिस तरीके से आप अपने फेस पर ब्लीच और वगैरह और भी चीजें जो करते हैं उसी तरीके से आपको अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट लगातार मसाज करने हैं। बीच बीच में आपको डिप करते रहना है और इसको मसाज को करते रहना है। अगर ये किसी तरीके से पेस्ट बच भी जाता है तो इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको कब और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। हो सके तो फ्रेंड्स इस नुस्खे का इस्तेमाल आप रात को सोते समय करें, यानी कि अपने रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर इसकी अच्छे से मसाज कर लें। जब आप इसको 5 से 7 मिनट मसाज कर लें तो अपने आपको अपने चेहरे को आप किसी आपको पानी से अपने चेहरे को धोना नहीं है, आप किसी कपड़े से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए, या अगर आप ऑयल लगा भी रहे तो कोई बात दिक्कत नहीं है, ये और भी अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। जब आप अपने चेहरे की अच्छे से मसाज कर ले, जहां पर भी आपकी बियर्ड है उधर उस बियर्ड एरिया पे आपको सिर्फ मसाज करनी है, पूरे फेस पर नहीं करनी है। 5 से 7 मिनट मसाज करने के बाद में आपको रात को सो जाना है और सुबह नहाते वक्त अपने चेहरे को आपको धो लेना है, यानी कि साफ कर लेना है। फ्रेंड्स इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको लगातार 15 दिन तक करना है। 15 दिन में जब आप शुरू के एक हफ्ता रिजल्ट यूज करेंगे तो आपको काफी फर्क महसूस होगा अपनी स्किन में, अपनी दाढ़ी में। आपको महसूस होगा कि आपके जो थोड़े बहुत जो पहले से बाल हैं वो पहले से ज्यादा मोटे होने लगेंगे, घने होने लगेंगे, और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद, यानी कि कम से कम 15 से 20 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपकी छोटे छोटे बाल यानी कि दाढ़ी के जो है वो आने लगेंगे और आपकी दाढ़ी मुझ बहुत ज्यादा घनी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। फ्रेंड्स ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है, जरूर आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों अगर आपको नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।